सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, कैट 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अब रिलीज़ हो चुका है, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो मेंशनड है। जैसे कैट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होगा, कब क्लोज होगा, फिर एग्जामिनेशंस के लिए आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा, कब आपके एग्जामिनेशंस होगी एंड कब आपका जो रिजल्ट है वो लगेगा। एंड ये जो अपडेट है गाइस वो दिया है IIM कलकत्ता ने, एंड इनके ट्विटर हैंडल पे गाइस इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया हुआ है। अब क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगे, कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कितना टाइम दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्जामिनेशन की डेट क्या रहेगी एंड और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ पर आया, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऑफिशियल कैट की वेबसाइट चेक कर रहे होंगे तो वहाँ पर अपडेट नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज ये जो अपडेट है वो आया है IIM कलकत्ता के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर, एंड यही अपडेट को काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ पेजेस ने जो है वो फिर प्रिंट किया हुआ है। तो ये अपडेट इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आया है एंड इस बार IIM कलकत्ता जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करेगा। बाकी फिर यहाँ पे जो डिटेल्स है वो दे रखी है, साथ ही में यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी हुई है एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन्स, तो 1 अगस्त 2024 से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूँगा। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा गाइस 13th of September 2024 को, तो एक या फिर डेढ़ महीने का हम बोल सकते हैं कि इतना हमें जो टाइम है वो यहाँ पे मिलेगा पूरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जो एडमिट कार्ड है गाइस वो 5 तारीख से लेकर तो 24 नवंबर तक आप जो है वो डाउनलोड कर पाओगे, एंड जो एग्जामिनेशन का डेट है गाइस वो है नवंबर 24, 2024। ठीक है, तो 24th of November को आपका जो टेस्ट है, जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा एंड जो रिजल्ट है गाइस वो 2nd week of January में जो है वो रिलीज़ होगा 2025 में, वो टेंटेटिव यहाँ पे बोला गया है। हो सकता है कि 1-2 वीक आगे या पीछे हमें जो है वो देखने को मिले। तो ये है गाइस ऑफिशियल डेट्स एंड यही जो डेट्स है वो रहेगी। अब 1 अगस्त से हमारा जो कैट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे सेंटर्स कितने रहेंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशंस, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कैट के वेबसाइट पर, तो फिर गाइज वहाँ पर हमें डिटेल में सारी जो चीज़ है वो देखने को मिल जाएगी। अभी बस इन्होंने जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताया, जिसके मीनिंग यही है कि 1 तारीख से हमारे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गाइज IIMcat.ac.in इस वाली वेबसाइट पे जो है वो स्टार्ट होंगे। अभी तक अगर आप ये वेबसाइट चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 2023 कैट का ही जो अपडेट्स है वो देखने को मिलेंगे, तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट जल्दी जो वेबसाइट है वो जो है वो अपडेट हो जाएगी एंड काफ़ी सारे न्यू चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही 1 अगस्त को हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वैसे गाइज मैं आपको टाइम पर अपडेट दे दूंगा, साथ ही में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आपको जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आप इजीली अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओ एंड इजीली अपना फॉर्म जो है वो भी सबमिट कर पाओ। ठीक है, बाकी अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आप ट्विटर हैंडल पे जाके जो है वो देख सकते हो, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं जो है ये कैट का जो नोटिफिकेशन है वो डाल दूंगा एंड जितने भी ऑफिशियल अपडेट्स और आएंगे उसके भी रिलेटेड अपडेट्स डाल दूंगा। साथ ही में जैसे ही स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो अभी अपने प्रिपरेशन को गाइस और भी जो है वो बूस्ट कर दो एंड ट्राई करो जितना हो सकता है उतना प्रिपरेशन करो, बिकॉज डेट आ चुकी है एंड जब डेट आ जाती है तब एक्चुअल में फील आती है प्रिपरेशन करने की। तो अभी स्टार्ट करना ही पड़ेगा एंड डेडलाइन आपके पास जो है वो आ चुकी है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड जैसे गाइज और अपडेट्स आते हैं वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा।